वेरी वेरी गुड हेलो आफ्टरनून। सर, तो मैं कुछ सुना रही थी ना। चैप्टर बोलिए, कहाँ तक आपका हुआ है? यस। कौन सा चैप्टर चल रहा था? चैप्टर एंड पेज नंबर? चैप्टर फोर, माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ कंप्लीट हो गया है? कहाँ तक हुआ है? पेज नंबर बताइए। रिप्लाई में, थ्रू चैट, कमेंट में बताइए। प्रीवियस डे आपका कहाँ तक हुआ था क्लास? इज माई वॉइस क्लियर? आवाज सबको क्लियर है? चैप्टर फोर पेज नंबर कहाँ तक कंप्लीट हुआ था? रीडिंग माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, यही चैप्टर चल रहा था। आपको रीडिंग भी कराए थे। यस, पेज नंबर बताइए, उसके जस्ट आगे से बताते हैं रीडिंग। पेज नंबर 21 कंप्लीट हो गया है? यस, आई थिंक पेज नंबर 21 इज कंप्लीटेड। चलिए, पेज नंबर 21 इज कंप्लीटेड। नेक्स्ट देखते हैं पेज नंबर 22। यस, बट देयर इज अनदर नेग्लेक्ट फॉर व्हिच आई एम स्टिल पेइंग द पेनाल्टी। एम के गांधी और महात्मा गांधी डिस्क्राइब्स हियर दैट देयर इज अनदर नेग्लेक्ट फॉर व्हिच आई एम स्टिल पेइंग द पेनल्टी। कुछ ऐसी उपेक्षाएं भी रही हैं जिसके लिए मैं अभी तक पेनल्टी भर रहा हूं, अभी तक उसका मैं दंड भर रहा हूं या पेनल्टी मैं पे कर रहा हूं। आई डू नॉट नो, मुझे नहीं पता। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता। व्हेन आई गॉट द नोशन दैट गुड हैंड राइटिंग वॉज नॉट ए नेसेसरी पार्ट ऑफ एजुकेशन। मुझे ये नहीं पता है या मैं ये नहीं जानता हूँ। व्हेन आई गॉट द नोशन कि मेरे दिमाग में ये ख्याल कब आया दैट गुड हैंड राइटिंग वॉज नॉट नेसेसरी पार्ट ऑफ एजुकेशन, कि गुड हैंड राइटिंग एजुकेशन का कोई आवश्यक पार्ट नहीं है। ये मेरे दिमाग में कैसे आ गया ये मुझे मीन्स उनके माइंड में यह नोशन आ गया था, मतलब एक फॉल्स नोशन था कि हैंड राइटिंग एजुकेशन में कोई मायने नहीं रखता, इम्पॉर्टेंट नहीं है। बट बाद में उन्हें पता चला कि इट इज अ नेसेसरी पार्ट ऑफ एजुकेशन।
मीन्स गुड हैंड राइटिंग इज अ नेसेसरी पार्ट ऑफ एजुकेशन। गुड हैंड राइटिंग भी एजुकेशन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये भी नेसेसरी है। बट आई रिटेन इट, लेकिन मैं इसे रिटेन इट बनाए रखा। अनटिल आई वेंट टू इंग्लैंड, जब मैं इंग्लैंड गया था। आई वेंट टू इंग्लैंड, जब मैं इंग्लैंड गया। व्हेन लेटर, जब बाद में। स्पेशली इन साउथ अफ्रीका, स्पेशली विशेष रूप से साउथ अफ्रीका में। आई सा द ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग ऑफ लायर्स, आयशा मैंने देखा द ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग ऑफ लायर्स। लायर्स के मीन्स जो वहां पे वकालत करने वाले लायर्स थे, वकील थे, उनके अच्छे हैंड राइटिंग्स को देखा। एंड यंग मैन, और वहां के नवयुवकों को, उनको मैंने गुड हैंड राइटिंग देखा लिखते हुए। आई वॉज अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ, तब मुझे अपने आप पर बहुत शर्म आई, मैं अपने आप को बहुत अशेम्ड फील किया। एंड रिपेंटेड ऑफ माई नेग्लेक्ट, और अपने उपेक्षाओं पर, रिपेंटमेंट होता है रिग्रेट करना, बहुत पश्चाताप किया। मैं बहुत ही खेद किया, बहुत ही पश्चाताप किया अपने उन उपेक्षाओं पर। मैंने देखा कि bad handwriting was regarded as a sign of imperfect education. Bad handwriting जो थी वो एक imperfect education का sign था। वहां पर bad handwriting, imperfect means अपूर्ण, अपूर्ण education का एक संकेत था, जो कि मेरे भी हिस्से में आई थी। यानी मेरी भी हैंड राइटिंग वीक थी, पुअर थी, अच्छी नहीं थी। आई ट्राइड लेटर टू इम्प्रूव माइन, मैंने बाद में अपने आप को इम्प्रूव करने का कोशिश किया। अपनी हैंड राइटिंग को मैंने इम्प्रूव करने का ट्राई किया, बट इट वॉज टू लेट, लेकिन इसमें बहुत देरी हो गई थी, बहुत लेट हो चुका था, देर हो गया था। क्योंकि हैंड राइटिंग इम्प्रूव करना ये स्टार्टिंग डेज में होता है, बाद में नहीं। मींस जैसे क्लास 1 to 5 तक आप अपने हैंड राइटिंग को अच्छा इम्प्रूव कर सकते हैं। आपकी हैंड राइटिंग वेरी वीक है, पुअर है, तो आप और आगे चल के बड़े क्लासों में, यानी 9th, 10th, 11th, 12th में आप उसको इम्प्रूव करने के लिए आपको डिफिकल्टी फील होगा। यस, आप इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। इसका इम्प्रूवमेंट आप स्टार्टिंग डेज में कर सकते हैं, अपने स्टडी डेज में। आई कुड नेवर रिपेयर द नेग्लेक्ट ऑफ माई यूथ, आई कुड नेवर रिपेयर, मैं रिपेयर नहीं कर सका दी नेग्लेक्ट ऑफ माय यूथ, अपने युवा अवस्था की उन उपेक्षाओं को। यानी जो मैंने हैंड राइटिंग पर केयर नहीं किया था, उस हैंड राइटिंग पर मुझे केवल रिग्रेट हुआ, पश्चाताप करना पड़ा। देयर इज अनदर इंसिडेंट, एक दूसरी इंसिडेंट हुई, दूसरी घटना हुई, विच आई मस्ट शेयर, जिसे मैं शेयर कर रहा हूं या मुझे शेयर करना चाहिए। आई कमिटेड अ थेफ्ट, मैंने एक चोरी करके गलती किया था। यानी मैंने अपने लाइफ में गलत काम यह किया था कि मैंने थेफ्ट, चोरी कर लिया। व्हेन आई वॉज 15, जब मैं 15 ईयर्स का था। महात्मा गांधी बताते हैं कि जब वो 15 इयर्स के थे तो उन्होंने गलती से चोरी कर लिया था। आई हैड रन इनटू अ डेट ऑफ अबाउट 25 रुपीज, मेरे पास 25 रुपीज का डेट था, 25 रुपए का मेरे ऊपर कर्ज था। माई ब्रदर हैड ऑन हिज आर्म
एन ऑर्मलेट ऑफ सॉलिड गोल्ड। मेरे भाई के पास ऑर्मलेट था आर्म में पहनने वाला, सॉलिड गोल्ड का उनके पास एक ऑर्मलेट था, बाजू बंद था, हाथ में पहनने वाला ऑर्मलेट था जो प्योर गोल्ड का था। आई स्टोल अ बिट ऑफ गोल्ड। मैंने थोड़ा सा गोल्ड क्या किया, चुरा लिया। स्टील का सेकंड फॉर्म है स्टोल, स्टील स्टोल स्टोलेन। आई स्टोल अ बिट ऑफ गोल्ड आउट ऑफ इट। मैंने इसमें से थोड़ा सा गोल्ड चोरी कर लिया। एंड द डेप्ट वॉज क्लियर्ड, जिससे मैंने अपना डेप्ट क्लियर किया, जिससे मैंने अपना कर्ज चुका दिया, पे कर दिया। बट दिस बिकेम मोर देन आई कुड बियर, बट दिस बिकेम मोर देन आई कुड बियर। लेकिन यह चोरी करने से मुझे बेचैनी में ला दिया, या मैं बेचैन हो गया जितना अधिक कि मैं वियर नहीं कर सकता था, सहन नहीं कर सकता था। आई रिजॉल्व नेवर टू स्टील अगेन। आई रिजॉल्व, रिजॉल्व मीन्स होता है डिटरमाइंड। आई रिजॉल्व नेवर टू स्टील अगेन। मैंने दृढ़ निश्चय किया, डिटरमाइंड किया कि अगेन कभी भी चोरी नहीं करेंगे, फिर से कभी भी मैं चोरी नहीं करूंगा, इस प्रकार की थेफ्ट नहीं करूंगा। आई ऑल्सो मेड अप माई माइंड टू कन्फेस इट। मैं हमेशा अपने माइंड को ये कन्फेस करने के लिए रेडी रखा, स्वीकार करने के लिए, टू माई फादर, अपने फादर से। बट आई डिडेंट डेयर टू स्पीक। लेकिन उनसे बात करने की मेरी हिम्मत नहीं हुई, मैं उन्हें यह बताने के लिए साहस नहीं कर सका कि यह चोरी मैंने किया है। उन्हें यह सब बताने के लिए मैं उनसे बात नहीं कर सका, या उनसे बोलने का मेरे अंदर हिम्मत या साहस नहीं आ पाया। नेक्स्ट देखते हैं। नॉट दैट आई वॉज अफ्रेड ऑफ माई फादर बीटिंग मी। इस डर से नहीं कि मेरे फादर यह जान जाएंगे तो मेरी बीटिंग करेंगे, मेरी पिटाई करेंगे, पिटने के डर से नहीं। आई वॉज अफ्रेड ऑफ द पेन दैट आई शुड कॉज हिम। बल्कि मैं इस कारण से डर रहा था, साहस नहीं हो रही थी उनसे बात करने की, कि मैंने उन्हें पेन दिया था, कष्ट दिया था, मेरी वजह से वो तकलीफ में आए थे, कष्ट उन्हें हुआ था। आई डिसाइडेड एट लास्ट टू राइट आउट द कन्फेशन। आई डिसाइडेड एट लास्ट, अंत में मैंने यह डिसाइड किया कि मैं अपने इस गलती को कॉन्फेस करता हूं, अपनी स्वीकृति एक लेटर लिख करके एसेंट करवाता हूं। इन दिस नोट नॉट ओनली डिड आई कॉन्फेस माई गिल्ट, इस नोट में, इस लेटर में मैंने केवल अपने अपराध को ही नहीं स्वीकार किया था, अपनी केवल गलती को ही नहीं स्वीकार किया था, बट आई ऑल्सो आस्क एडिक्वेट पनिशमेंट फॉर इट। बल्कि मैं अपने फादर से अपनी इस गलती के लिए एडिक्वेट पनिशमेंट, पर्याप्त पनिशमेंट के लिए डिमांड भी किया था कि मुझसे ये बहुत बड़ी गलती हो गई है, इस गलती के लिए आप जो भी पनिशमेंट मुझे देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। इसलिए महात्मा गांधी अपने फादर से पर्याप्त पनिशमेंट के लिए भी डिमांड किया, मैं अपने उस मिस्टेक को एक्सेप्ट करता हूं और उसके लिए जो भी सजा, जो भी पनिशमेंट आप मुझे देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। इन दिस नोट, सॉरी, आई आल्सो प्रॉमिस्ड नेवर टू स्टील इन फ्यूचर। मैंने इस लेटर में, इस नोट में ये भी प्रॉमिस किया था कि फ्यूचर में अगेन कभी भी मैं चोरी नहीं करूंगा।
राइटर सेज दैट ही एक्सेप्टेड दैट या ही प्रॉमिस्ड नेवर टू स्टील इन फ्यूचर, वो आगे से कभी भी कोई चोरी नहीं करेंगे. विथ ट्रेम्बलिंग हैंड्स, डर के कारण राइटर के हैंड्स ट्रेम्बलिंग कर रहे थे, कांप रहे थे. आई हैंडेड द कन्फेशन टू माई फादर, मैंने यह कन्फेशन लेटर अपने फादर को दिया. डर से कांपते हुए मैंने यह कन्फेशन लेटर अपने फादर को दिया. ही रीड इट, उन्होंने इसे रीड किया. एंड पर्ल ड्रॉप्स ट्रिकल डाउन हिज चीक्स, और उनके आंखों से आंसू गिरने लगे. इसको रीड करने के बाद मेरे फादर के आंखों से आंसू गिरने लगे. वेटिंग द पेपर, जिससे वह पेपर गीला हो गया, भीग गया. दोज पर्ल ड्रॉप्स ऑफ लव क्लींस्ड माई हार्ट, मेरे पिताजी के आंखों से गिरते हुए वो प्रेम के आंसू, ड्रॉप्स ऑफ लव, वो जो उनका स्नेह था, अफेक्शन था, वो प्रेम के आंसू थे, क्लींस्ड माई हार्ट, मेरे हृदय को क्लीन कर दिया, मेरे भी हार्ट को क्लीन कर दिया. एंड वॉश्ड माई सिन अवे, और मेरे पापों को धुल दिया. जो मैंने यह पाप किया था, चोरी करके जो गलती किया था, उस मेरे पापों को भी धुल दिया. अ क्लीन कन्फेशन, एक क्लीन कन्फेशन हो गया, मतलब स्वीकृति हो गया. कंबाइंड विथ अ प्रॉमिस नेवर टू कमिट द सिन अगेन, जिसने मुझे यह प्रॉमिस करवाया कि मैं ऐसा कभी भी कोई पाप नहीं करूंगा इन फ्यूचर, भविष्य में ऐसी कोई गलती, ऐसा कोई मिस्टेक, ऐसी कोई सिन नहीं करूंगा, इज द प्यूरेस्ट टाइप ऑफ रिपेंटेंस, जिसके लिए कि मुझे पछताना पड़े, ओनली पश्चाताप करना पड़े, मैं ऐसा कोई फ्यूचर में गलती नहीं करूंगा. दिस इंसिडेंट फॉर मी वॉज एन ऑब्जेक्ट लेसन इन अहिंसा, यह घटना मेरे लिए अहिंसा पाठ में ये भी एक ऑब्जेक्ट था, ये भी एक पाठ था, ये भी एक सबक था, ये भी एक चैप्टर था, जिससे मुझे फिर से कभी गलती ना करने का सबक मिला, कि मैं फिर से कभी कोई गलती ना करूं. सो दिस इज फिनिश्ड, चैप्टर 4 इज कंप्लीटेड. माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, रिवाइज इट इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, यू कैन आस्क मी, यदि किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं. ये चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो गया है. यस, एक बार देख लीजिए, किसी भी पैराग्राफ में कोई प्रॉब्लम होता है तो आप पूछ सकते हैं. ओके, नेक्स्ट फिर कराते हैं आपको क्वेश्चन आंसर. ओके तेजस, गुड. नेक्स्ट किसी को कोई प्रॉब्लम? रौनक राज, ओके. हिमांशु राज, गुड. ओके, कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेरी गुड. नेक्स्ट चलते हैं फिर से.
ओके अभिमन्यु पटेल, ऋषा ज्योति, ओके वेरी गुड। चलिए फिर नेक्स्ट चलते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। क्वेश्चन आंसर पे आते हैं, अंडरस्टैंडिंग द स्टोरी। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं शॉर्ट में। क्वेश्चन आपके बुक में है, आंसर हम आपको बताते हैं, बोर्ड पे मेंशन कराते हैं। क्वेश्चन है, व्हिच टू बुक्स इंस्पायर्ड गांधी जी ए लॉट ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड। गांधी जी को कौन सी दो बुक्स उन्हें मोस्टली इंस्पायर्ड किया ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड, उनके बचपन में, उनके चाइल्डहुड में वो कौन सी दो किताबें थी जो महात्मा गांधी को बहुत अधिक प्रेरित किया, बहुत अधिक उन्हें इंस्पायर्ड किया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन, सभी लोग अंडरस्टूड करेंगे उसके बाद आंसर लिखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन आपके बुक में दिया गया है, हम आपको आंसर लिखाते हैं। क्वेश्चन है, व्हिच टू बुक्स इंस्पायर्ड गांधी जी ए लॉट ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड। ओके तो क्वेश्चन आप बुक से लिखेंगे, अब यहाँ पे आंसर आपको लिखा रहे हैं। आंसर नंबर ओके यस, आंसर नंबर वन आपको पता है वो दो बुक कौन सी है। वो दो बुक थी हरिश्चंद्र नाटक और श्रवण कुमार सुपित्र भक्ति। ये दो बुक थी जिन्होंने महात्मा गांधी को बहुत अधिक क्या किया था, इंस्पायर्ड किया था। ओके बोर्ड नहीं दिख रहा है क्लियर, बोर्ड ही तो है दिख रहा है यहाँ से। आंसर नंबर वन यहाँ से लिखना है आपको। यस देखते भक्ति नाटक हरिश्चंद्र। आंसर नंबर वन नोट करिए, श्रवण सुपित्र भक्ति नाटका एंड हरिश्चंद्र प्ले। श्रवण सुपित्र भक्ति नाटका एंड हरिश्चंद्र प्ले आर द two books are the two books
that inspired Gandhi ji a lot during his childhood. Sarvashri Bhakti Nataka and Harishchandra play are the two books that inspired Gandhiji a lot during his childhood. Answer number one note kariye. Yes. Question number one का answer है. Question आपके book में लिखा गया है. यहाँ पे इसका answer रजिस्टर मारूंगी. Answer number one सभी लोग note करिए. हो गया. पिक आउट द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द टेक्स्ट व्हिच टेल्स अस दैट गांधी जी वाज पंक्चुअल. इस स्टोरी से आपको वो टेक्स्ट लिखने हैं जिससे आपको पता चलता है कि गांधी जी क्या थे, पंक्चुअल थे. गांधी जी पंक्चुअल थे यह बात आपको कैसे पता चलती है? स्कूल जब ओपन होता था वो टाइम से स्कूल जाते थे. छुट्टी होने से पहले वो कभी भी रिटर्न नहीं होते थे, यानी बैक होम नहीं आते थे. आफ्टर डिस्पर्सल ही वह घर जाते थे और डेली का ही उनका रूटीन था. ये क्वेश्चन नंबर वन का आंसर सभी लोग नोट करेंगे. नेक्स्ट आप लोग इसको कंप्लीट करिएगा क्वेश्चन नंबर 2-3. ठीक है, बनाइएगा बिकॉज पूरा क्वेश्चन का आंसर अभी कंप्लीट नहीं हो पाएगा. क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया, सभी ने बना लिया. क्वेश्चन नंबर 2-3-4 बनाइएगा. क्वेश्चन नंबर 2-4 तक कंप्लीट करिएगा. ठीक है, नोट करिए सभी लोग. नेक्स्ट सभी लोग बनाइएगा क्वेश्चन नंबर 2-4 तक. चैप्टर को यदि आपने रीड किया है कंप्लीटली तो आप अच्छे से आंसर बना सकते हैं. ठीक है, ओके हो गया नोट डाउन सभी का. ओके, कभी कभी नेट प्रॉब्लम की वजह से क्लासेस थोड़ा लेट हो जाता है. आज भी नेट इश्यूज था जिसके कारण क्लास थोड़ा सा डिले हो गया था. ओके, सभी ने नोट कर लिया होमवर्क.
सभी लोग कंप्लीट करके आइएगा, ठीक है? ओके गुड, हैव अ नाइस डे।